दिस शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वॉचिंग SBS फिल्म ऑन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा मून और सैटर्न के कॉम्बिनेशन के बारे में। क्योंकि सैटर्न जो है, सैटर्न का संबंध परेशानियों से है। सैटर्न रूल एंड रेगुलेशन को बनाता है, स्ट्रक्चर को बनाता है हमारी लाइफ में, और हमें कर्म और ड्यूटी करना सिखाता है सैटर्न। और सैटर्न जो है वो फियर और एंजाइटी भी देता है। बट जो मून है, मून हमारे इमोशन है, मून हमारा माइंड है, मून जो है हमारे मेंटल लेवल को कंट्रोल करता है, मून हमारी मदर है, मून हमारा कंफर्ट है, और मून जो है वही हमारा इंटरेस्ट है। यानी मून जिस हाउस में बैठा होता है, हमारा जो इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर हाउस से जुड़ जाता है। तो मून जिस हाउस में प्लेस्ड होता है, अगर सैटर्न का कंजंक्शन अगर मून के साथ होता है, या मून के ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ता है कहीं से भी, या मून कैंसर साइन में अगर हो, तो हमें बहुत ज़्यादा मेंटल फ्रस्ट्रेशन से गुजरना पड़ता है। जैसे मान लो मून अगर फर्स्ट हाउस में है और मून के ऊपर अगर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ता है, या मून के साथ सैटर्न की प्लेसमेंट होती है, यानी जो हमारी फ्रस्ट्रेशन होगी वो पर्सनल होगी। हमें हो सकता है कि हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, हमें हो सकता है कि अपनी पर्सनालिटी को लेके कोई ना कोई परेशानी हो, हमें हो सकता है अपने नाम और फेम को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। बिकॉज जो फर्स्ट हाउस है उसका संबंध हमारी आइडेंटिटी और हमारी पहचान से है। तो जो भी हमारा फेम है वो फर्स्ट हाउस है। तो मून हमारा माइंड है। मून अगर फर्स्ट हाउस में होगा और सैटर्न अगर मून को अफेक्ट कर रहा होगा, तो जो फ्रस्ट्रेशन होगी वो फर्स्ट हाउस के रिगार्डिंग होगी। अब जैसे मून की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में है, तो जो हमारी फ्रस्ट्रेशन होगी वो सेकंड हाउस के रिगार्डिंग होगी। यानी हमारी स्पीच, हमारी फैमिली वैल्यू, हमारी वेल्थ, हमारा फेस और हमारी सेविंग। अगर मून की प्लेसमेंट थर्ड हाउस में होती है, तो जो हमारी फ्रस्ट्रेशन होगी वो थर्ड हाउस की रिकॉर्डिंग होगी। यानी कम्युनिकेशन, सिबलिंग्स, मीटिंग्स, सेल्स, मार्केटिंग। बट इन सब के लिए सैटर्न की प्लेसमेंट जो है वो कैंसर साइन में होना बहुत ज़रूरी है, और मून के ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट भी हो सकता है, और दूसरा मून के साथ सैटर्न का कंजंक्शन भी हो सकता है। तो कोई भी एक अगर सिम्टम अगर ऐसा मैच करता है, तो हमारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, पर्टिकुलर उस हाउस के रिगार्डिंग जहाँ पर मून होगा। अब मून जैसे फोर्थ हाउस में है, तो जो हमारी फ्रस्ट्रेशन होगी वो अपने सुख को लेके होगी, अपने होमली कंफर्ट्स को लेके होगी, अपनी मदर को लेके होगी। जिस चीज़ से भी हम अपने आप को सुखी फील करते हैं, उन चीज़ों के रिगार्डिंग हमारी फ्रस्ट्रेशन होगी। मून अगर फिफ्थ हाउस में है, तो जो हमारी फ्रस्ट्रेशन होगी वो अपने क्रिएटिव टैलेंट को लेके होगी, अपने चिल्ड्रन को लेके होगी, अपने लविंग रोमांस को लेके होगी, अपने स्टेज परफॉर्मेंस को लेके होगी, अपने डायनेमिक टैलेंट को लेके होगी। मतलब इन सब चीज़ों को हम करना चाहेंगे, हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, और ये सारी चीज़ें जब डिले हो जाएंगी तो हम मेंटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। मून अगर सिक्स हाउस में है, तो जो हमारी फ्रस्ट्रेशन होगी वो सिक्स हाउस के रिगार्डिंग होगी। यानी एनिमी, डेप्थ्स एंड डिजीज, सर्विस, क्योंकि सिक्स हाउस से संबंध इन चीज़ों से है। और सिक्स हाउस से संबंध डाइवोर्स से भी है।
तो डाइवोर्स से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपके आपके ऊपर कोई ना कोई कर्जा हो सकता है और कोई ना कोई बीमारी आपको लग सकती है जिसके कारण आप परेशान हो सकते हो। मून की प्लेसमेंट अगर सेवन्थ हाउस में है तो जो हमारी फ्रस्ट्रेशन होगी वो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, ट्रेड, नेगोशिएशन, लीगल बाइंडिंग्स, इन सब चीज़ों को लेकर हो सकती है। मून अगर एट्थ हाउस में है तो हमारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो जॉइंट वेंचर को लेकर हो सकती है, यानी जो एट्थ हाउस है वो सेवन्थ हाउस का गेन हाउस है। तो जो सेवन्थ हाउस का जो गेन है यानी लाइफ पार्टनर से गेन, बिजनेस पार्टनर से गेन, वो एट्थ हाउस से देखा जाता है। दूसरा, एट्थ हाउस का संबंध लॉन्जिविटी से है, एट्थ हाउस का संबंध आपके हिडन सीक्रेट्स चीज़ों से है और एट्थ हाउस का संबंध आपके हिडन एनिमीज से है। दूसरा, एट्थ हाउस का संबंध आपके इन लॉज से है और एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ों को, यानी लाइफ में सडनली जो चीज़ ट्रांसफॉर्म होती है उसका संबंध एट्थ हाउस से है। तो जो आपकी फ्रस्ट्रेशन होगी वो एट्थ हाउस के रिगार्डिंग होगी। मून अगर नाइन्थ हाउस में है तो जो फ्रस्ट्रेशन होगी वो नाइन्थ हाउस के रिगार्डिंग होगी, यानी आपके फादर को लेके, गुरु को लेके, टीचर को लेके, आपकी हायर एजुकेशन को लेके, आपके बिलीफ को लेके, आपके वर्ल्ड ट्रेवल को लेके। मून की अगर प्लेसमेंट टेंथ हाउस में है तो जो आपकी फ्रस्ट्रेशन आपके स्टेटस को लेके होगी, आपके वर्क एनवायरनमेंट को लेके होगी, आपके फादर की सेविंग को लेके होगी और कोई गवर्नमेंट से संबंधित कोई इशू फंस सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि टेंथ हाउस का संबंध गवर्नमेंट से भी है। गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनका संबंध टेंथ हाउस से है। तो मून के प्लेसमेंट के कारण इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि जो आपका कैरियर है वो जल्दी ना बन पाए और कैरियर को लेके आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, क्योंकि मून हमारा इंटरेस्ट है। तो मून जहाँ पर बैठा होता है वहाँ से हमारा इंटरेस्ट जुड़ा होता है। मून अगर 11th हाउस में है जो हमारी फ्रस्ट्रेशन होगी वो हमारी इनकम को लेके होगी, हमारे नेटवर्क सर्कल को लेके होगी, हमारे इनकमिंग गेंस जो होते हैं उसको लेके फ्रस्ट्रेशन होगी, जो भी आपके एल्डर सिबलिंग हैं इनको लेके आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। दूसरा, जो आपके होप्स एंड विशेज हैं उनके चक्कर में आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, क्योंकि 11th हाउस से संबंधित चीज़ों को आप लाइफ में पाना चाहेंगे और ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ भी सकती है आपकी, क्योंकि अगर मून मान लो अगर डेबिलिटेशन में है तो जो आपकी फ्रस्ट्रेशन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और उन चीज़ों का लॉस हो जाएगा जहाँ पर मून बैठा हुआ है। मून अगर एग्जल्टेशन में है तो आप फ्रस्ट्रेट तो रहेंगे लेकिन आप बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेंगे उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। दूसरा, आपकी जो मदर हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए अगर मून अपने एग्जल्टेशन में है, लेकिन फिर भी अगर मून जिस हाउस में प्लेस्ड है वहाँ से संबंधित चीज़ों को लेकर हम कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होंगे। अगर सैटर्न का एस्पेक्ट या कंजक्शन या प्लेसमेंट कैंसर साइन में हो तब मून से संबंधित चीज़ों को लेकर हम परेशान हो सकते हैं। मून की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में है तो हमारी जो फ्रस्ट्रेशन होगी वो आइसोलेशन को लेकर होगी, जो भी आपका इनर पीस है उसको लेकर आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, यानी हो सकता है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो और आप चाहें कि मैं लाइफ में ऐसी जगह चला जाऊं या ऐसा कुछ करूं जिसके कारण जो मेरा मेंटल पीस है वो कंट्रोल हो और मुझे शांति मिले। और अगर सैटर्न अगर 12th हाउस में है मून के साथ, मून के ऊपर सैटर्न का कहीं से एस्पेक्ट पड़ता है तो ये सारी चीज़ें डिले हो जाएंगी। दूसरा, 12th हाउस का संबंध एडिक्शन से भी है तो इन सब चीज़ों की आपको आदत पड़ सकती है, आप अल्कोहलिक हो सकते हैं, ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं, सिगरेट्स वगैरह की आपको आदत पड़ सकती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि मून अगर सैटर्न के साथ अगर कंजक्शन बना के अगर कहीं पर बैठा है तो आपके साथ क्या क्या होगा। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपका मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन आपके बर्थ चार्ट में कैसा बन रहा है
और उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या पड़ेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मून को जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके बाद मैं आपके लिए कोई दूसरी वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।